आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड में हिंदी फॉन्ट टाइप करना, हिंदी में टाइप करना। तो एमएस वर्ड में हिंदी में टाइपिंग करने के लिए हिंदी फॉन्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी फॉन्ट के लिए सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड ओपन कर लिए। मेरे लैपटॉप में पहले से हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करेंगे कृति देव, KRUTIDEV 010। ये कृति देव 010, ये हिंदी का फॉन्ट है। इसे सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ पे फॉन्ट साइज आप बड़ा ले सकते हैं। तो इसको लेने के बाद आप कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हिंदी में कैसे टाइप होगा, यानी इंग्लिश कीबोर्ड से हिंदी में कैसे टाइप करना है, वो आज हम लोग सीखेंगे, जिसका नोट्स मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है हिंदी फॉन्ट की। अगर आपके सिस्टम में हिंदी फॉन्ट नहीं है तो आप फिर हिंदी फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले आइए सीखते हैं। तो आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद किसी भी वेब ब्राउज़र पर क्लिक कीजिएगा। वेब ब्राउज़र जब ओपन होगा तो हम लोग उसमें google.co.in सर्च करेंगे। ये वेब ब्राउज़र ओपन हुआ, इसमें हम लोग न्यू टैब में google.co.in टाइप कीजिएगा तो गूगल का सर्च पेज खुलेगा। ये इस तरह से सर्च पेज आ गया। आप यहाँ पे लिखिएगा कृति देव 010 फॉन्ट डाउनलोड फॉर PC। ये यहाँ पे लिखिएगा और क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला वेबसाइट खुलेगा hindifont.com, तो आप इस पर ये क्लिक कर लीजिएगा कृति देव 010 रेगुलर डाउनलोड फॉर फ्री एट हिंदी फॉन्ट्स। इस पर क्लिक कीजिएगा, माउस का लेफ्ट क्लिक एक बार क्लिक कीजिएगा तो फिर ये वेबसाइट ओपन होगा। इस वेबसाइट पे नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ से, तो आपको हिंदी का ढेर सारा फॉन्ट दिखेगा, जैसे कृति देव 090, यहाँ से कृति देव 010 रेगुलर। यहाँ पे हिंदी का ढेर सारा फॉन्ट आपको दिखेगा। ये हर एक फॉन्ट में टाइपिंग का स्टाइल थोड़ा थोड़ा हिंदी ही टाइप होगा, लेकिन स्टाइल थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा फॉन्ट डाउनलोड करेंगे, कृति देव 010। ये डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, एक बार क्लिक कीजिएगा माउस का लेफ्ट क्लिक और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड फॉन्ट का, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो फिर ये कुछ सेकंड वेट करना होगा, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। कुछ सेकंड हम लोग वेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये अभी इंटरनेट कनेक्ट ही हो रहा है। ये देखिए आ गया ऑप्शन। अब हम लोग चूँकि ये मोजिला फायरफॉक्स में हम लोग कर रहे थे तो इस तरह का ऑप्शन आता है, गूगल क्रोम में डायरेक्ट यहाँ नीचे डाउनलोडिंग में लग जाता है। यहाँ से हम लोग सेव फाइल ओके कर देंगे और ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ये इस तरह का मोजिला फायरफॉक्स में दिखता है। अगर आपका गूगल क्रोम होगा तो यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो वो दिख जाएगा। वहाँ से हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ओपन फोल्डर कर लेते हैं। ओपन फोल्डर करने के बाद देखिए इसको इंस्टॉल करने का 2 तरीका है। आप इस पर अगर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे तो ये देखिए कृति देव 010 नाम का फोल्डर आएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये जो पहला वाला फाइल दिख रहा है आपको, इस पर हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए हिंदी दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। यहाँ से हम लोग इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये फॉन्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। या फिर इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ से तो ये ऑप्शन नहीं देगा, इसको क्लोज कर देंगे। कृति देव 010 जो है इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे। एक्सट्रैक्ट फाइल करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे।
आपके सिस्टम में ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप में ये विनजिप नाम का सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये फिर एक्सट्रैक्ट फाइल नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग कृति देव 010, ये देखिए इसको नॉर्मली फोल्डर में ये क्या था, जिप फाइल था। इस जिप फाइल को वो नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कृति देव 010 रेगुलर आएगा। अब यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिएगा और इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर भी कर सकते हैं या इंस्टॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इंस्टॉल कीजिएगा। ये देखिए ये पहले से इंस्टॉल है ये फॉन्ट, तो यहाँ से क्या दिखा रहा है, द कृति देव 010 फॉन्ट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट। अगर आपको फिर से इसको रिप्लेस करना है तो येस कर दीजिएगा, ये फिर से फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था फॉन्ट इंस्टॉल करने का। आपको यहाँ पे ढेर सारा फॉन्ट मिलेगा, आप यहाँ से चाहे तो ढेर सारा फॉन्ट डाउनलोड कर लीजिएगा हिंदी का, अलग अलग स्टाइल का। और जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर हम हिंदी का करीब करीब 20 से 30 फॉन्ट मिनिमम आपको देंगे पेन ड्राइव में, तो आप लोग उसको आसानी से लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं, नेट डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं एमएस वर्ड वाले पेज पे। तो वहाँ आने से पहले हम लोग ये देखते हैं, ये आपको आज हम सेंड भी किए थे, इसमें कीबोर्ड का डायग्राम बनाया हुआ है। आपके पास जो कीबोर्ड है, या तो आपको कंप्यूटर में कीबोर्ड हो या आपके लैपटॉप में जो कीबोर्ड होगा, तो आप कीबोर्ड में देखिएगा सबसे ऊपर जो की है वो 1 2 3 4 5, ये न्यूमेरिकल वाला होगा। ठीक, उसके नीचे वाले लाइन में QWERTY ये होगा, और ठीक उसके नीचे वाले लाइन में ASDF भी होगा, और ठीक उसके नीचे वाले लाइन में Z वाला भी होगा, ZXCV। ये इस तरह से हर एक रॉ का आपको दिया हुआ है इसमें। अब ये क्यों दिया हुआ है, क्या है इसका यूज, ये समझिए। तो सबसे पहले इसमें जैसे ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ये बॉक्स जो है, ये अगर हम लोग वन नॉर्मली वन टाइप करते हैं या नॉर्मली ये सिंबल अगर हम लोग टाइप करते हैं तो ये री आएगा। जैसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं ना पृथ्वी, प्री जो लिखते हैं पृथ्वी का, ये री है, और ये नीचे का हलंत है। तो ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, नॉर्मली अगर आप ये बटन प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड में, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, हिंदी टाइपिंग के टाइम कैप्स लॉक को ऑफ रखिएगा, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा, शिफ्ट वाला काम फिर करने लगेगा। इसीलिए कैप्स लॉक को ऑफ रख के तब हम लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये अगर ये हम लोग कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो री आएगा, और शिफ्ट के साथ अगर इस सिंबल को प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। यानी नॉर्मली वन प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, और शिफ्ट के साथ वन प्रेस करेंगे तो ये एक्सक्लेमेटरी का सिंबल आ जाएगा। ठीक उसी तरह टू का भी है। नीचे आते हैं, नीचे ऑप्शन देखते हैं। अगर नॉर्मली हम लोग क्यू प्रेस करेंगे, क्यू, तो हर्षुकार आएगा, जैसे कुमार देखते हैं तो उसमें हर्षुकार लिखते हैं, और शिफ्ट के साथ अगर क्यू प्रेस करेंगे तो फा आएगा। ठीक उसी तरह डब्लू में, अगर नॉर्मली हम लोग डब्लू प्रेस करेंगे तो दीर्घुकार आएगा, और शिफ्ट के साथ डब्लू प्रेस करेंगे तो ये ऊपर का आधा चांद बिंदु वाला जो होता है वो ऑप्शन आ जाएगा। नॉर्मली ई प्रेस कीजिएगा तो पूरा म आएगा, और शिफ्ट के साथ एम ये ई प्रेस कीजिएगा तो आधा म आएगा। ये ऑप्शन इसी तरह आप लोग को लिखवा दिए हैं, आपको सेंड कर दिए हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। A4 साइज के पेपर को बीच से मोड़ लीजिएगा, और उस आधे पेपर में ये कीबोर्ड का जो चारों रो है उसको अच्छे से ये बॉक्स बना लीजिएगा, आधे पेज में ही, पूरा पेज में मत बनाइएगा, क्योंकि टाइपिंग के समय फिर वो प्रॉब्लम होगा आपको आगे रख करके देख करके टाइप करने में। आप लोग इसको एक पेज में लिख लीजिएगा, और जिस टाइम टाइपिंग कीजिएगा अभी स्टार्टिंग में, तो उस टाइम क्या करना होगा, उस पेज को आगे रख लीजिएगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो और ढूंढ करके इसको टाइप कर सके। ठीक इसी तरह जेड वाले में भी देख लेते हैं, जेड वाले में क्या क्या था। तो ये जैसे प्रहार लिखते हैं तो ये प्रहार वाला है, नॉर्मली प्रेस कीजिएगा तो, और शिफ्ट के साथ ये प्रेस कीजिएगा जेड तो रेफ आएगा, जैसे वर्ग, तो ग पे जो रेफ होता है ये रेफ आ जाएगा इस तरह। तो कुछ शॉर्टकट की भी आप लोग को हम सेंड किए होंगे, वो शॉर्टकट की भी कॉपी में लिख लीजिएगा, उसका भी बहुत ज़्यादा यूज होगा, कैसे यूज होगा वो भी हम बता देंगे अभी। तो आइए सबसे पहले हम लोग हिंदी टाइपिंग करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कृति देव 010 फॉन्ट साइज जो भी आपको
पसंद हो वो आप कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग कीबोर्ड का वो नॉर्मली की प्रेस करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये सबसे पहला जो ये वाला था, ये की हम प्रेस कर रहे हैं, देखिएगा क्या टाइप होता है। तो ये देखिए, ये हम टाइप किए, देखिए री आ गया, स्पेस देंगे। अब देखिए ये शिफ्ट के साथ हम फिर इस ऑप्शन को ले रहे हैं, तो ये देखिए ये अलंत आ गया। नॉर्मली हम लोग एक प्रेस करते हैं तो वन आता है, और शिफ्ट के साथ वन प्रेस कीजिएगा तो ये देखिए एक्सक्लामेटरी आया। ठीक उसके नीचे वाले लाइन में आते हैं, नॉर्मली क्यू प्रेस कीजिएगा तो हर्षुकार आएगा, और शिफ्ट के साथ कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करेंगे तो फा आएगा। ठीक उसके नीचे वाले लाइन में ए हम लोग टाइप करते हैं तो अनुस्वार आता है, जैसे हम लोग कुछ भी लिखते हैं अनुस्वार वाला, जैसे कंठ अगर लिखना हो तो क के ऊपर अनुस्वार आएगा। ठीक है, और शिफ्ट के साथ ए प्रेस कीजिएगा तो पूर्ण विराम आएगा, जैसे है या कोई भी वर्ड जब समाप्त होता है उसके बाद जो लाइन लगता है उसको पूर्ण विराम बोलते हैं, तो ये पूर्ण विराम आ जाएगा। नॉर्मली एस टाइप कीजिएगा तो एकार आएगा, एकार, और शिफ्ट के साथ एस प्रेस कीजिएगा तो औकार आएगा। तो ये बात को हम लोग को ध्यान में देना है। नीचे जैसे नॉर्मली जेड प्रेस कीजिएगा तो ये इस तरह से आएगा, और शिफ्ट के साथ जेड प्रेस कीजिएगा तो रेफ आएगा। तो ये हम लोग को ध्यान देना है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसका, धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा। जैसे ही हम लोग इसको डिलीट किए, देखिए यहाँ से फॉन्ट चेंज हो गया, हम लोग फिर से फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे फॉन्ट का साइज भी ले लेंगे, कलर अगर आपको लेना हो तो आप कलर भी ले सकते हैं यहाँ से। अब हम लोग सीखते हैं कुछ लिखना, जैसे अगर हम लोग को कटिहार लिखना है तो कटिहार में सबसे पहले होता है क, यानी डी प्रेस करेंगे हम लोग, डी प्रेस करेंगे तो क आएगा। फिर हम लोग को हर्षीकार लेना पड़ता है, तो हर्षीकार के लिए एफ प्रेस करेंगे, ये देखिए हर्षीकार आया। फिर टी के, ट के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ वी प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ वी प्रेस कीजिएगा तो ये देखिए ट आया। और ह के लिए हम लोग जी टाइप करेंगे तो ये देखिए ह आया। आकार के लिए हम लोग के टाइप करते हैं, किसी भी चीज़ में आकार लगाना हो तो के टाइप करेंगे, और र के लिए जे टाइप करेंगे, ये देखिए कटिहार हम लोग का लिखा हुआ हो गया। अब अगर हम लोग को बिहार लिखना है तो सबसे पहले हर्षीकार लेंगे एफ से, फिर ब के लिए सी टाइप करेंगे, सी नॉर्मली सी, फिर जी से ह हो जाएगा, और के से आकार हो जाएगा, और जे से र हो जाएगा, बिहार। इसी तरह हम लोग राम, श्याम, सीता, गीता कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे राम लिखना है तो जे, फिर के, फिर ए, ये देखिए राम हो गया। अगर हम लोग को श्याम लिखना है तो ये देखिए शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस कीजिएगा, आधा सौ आ जाएगा। य के लिए कॉलन वाला पे कीजिएगा क्लिक नॉर्मली, आकार के लिए के, और क्या करेंगे ई से म आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हिंदी टाइपिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। हम लोग पहले नॉर्मली लिखना प्रेस कर सीखेंगे, जैसे चाचा, तो ये देखिए पी से च होता है आकार, के से फिर पी से च आकार, के से चाचा। मामा लिखना है तो ई के मामा। दादा लिखना है तो एन के दादा। इसी तरह से हम लोग पहले शॉर्ट शॉर्ट छोटा छोटा लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद तब हम लोग कोई न्यूज़पेपर, कोई हिंदी का किताब लेकर के उसको देख करके धीरे धीरे टाइपिंग करेंगे, धीरे धीरे उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ये एक बार में बहुत ही ज़्यादा टफ लगेगा, क्योंकि अभी आपको इसका एक भी फॉन्ट याद नहीं है। हो सकता है आप लोग CBSE मीडियम के होंगे तो आप लोग को हिंदी में परेशानी भी होता होगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये भी मन में मत सोचिएगा कि हम लोग को हिंदी टाइपिंग का कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हो सकता है मे भी कभी ज़रूरत पड़े, इसीलिए हम लोग सीख करके रखेंगे। हिंदी टाइपिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज है, कभी ना कभी इसका यूज हो जाएगा। सॉफ्टवेयर भी आता है जिसके माध्यम से इंग्लिश में लिख करके हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, वो भी अभी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से अभी हम टाइप करेंगे, ये देखिए अभी हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो बस लिख, जैसे कटिहार लिखते हैं KATIHAR, ये देखिए कटिहार लिखा हुआ आ गया, यानी हम लोग को इतना सीखने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। BIHAR लिखेंगे, ये देखिए बिहार आ गया। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर का भी यूज होता है, लेकिन जब हम लोग पेज मेकर, फोटोशॉप और कॉरेल ड्रॉ सीखेंगे उस समय ये सॉफ्टवेयर वहाँ पे काम नहीं करेगा,
वहाँ पे आपको हिंदी फॉन्ट यहाँ से कृति देव ही लेना पड़ेगा। इसीलिए अभी ही हम लोग इसका प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। ये सॉफ्टवेयर वाला वहाँ पे याद रखिएगा, पेज मेकर, फोटोशॉप और कॉरेल ड्रॉ यानी DTP सीखते समय काम नहीं करेगा। वहाँ पे आपको कृति देव में ही बैनर, हैंडबिल, डिजाइन वगैरह ये जो भी हो, शादी का कार्ड, कुछ भी बनाना हो, वो जब आप हिंदी में टाइप कीजिएगा फिर वहाँ परेशानी होगा। इसीलिए अभी इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, जम के प्रैक्टिस कीजिएगा। शॉर्टकट की भी हम कुछ लिखवाए होंगे तो शॉर्टकट की का हम लोग नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। फिलहाल आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, शॉर्टकट की का अगले क्लास में फिर से हम बता देंगे। और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पैनिक नहीं होइएगा, नॉर्मली इसको अभी थोड़ा 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 प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद ये खुद ब खुद खुद आपको धीरे धीरे आने लगेगा। कम से कम हिंदी टाइपिंग में हाथ फ्री होने में 1 महीना से ज़्यादा समय लगेगा, तब आप नॉर्मली थोड़ा थोड़ा टाइप कर पाइएगा। ये नहीं है कि एक दिन में ही आप सीख जाइएगा, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम होगा फिर